गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू यूनिट, यूनिट 16 मेजरमेंट। आज हम यूनिट 16 करेंगे मेजरमेंट। इस यूनिट में आपको मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए मेजरमेंट, मेजरमेंट हम किसका करते हैं? देखिए लेंथ का मेजरमेंट करते हैं, वेट का करते हैं, लेंथ मीन्स लंबाई, वेट मीन्स वजन, एंड कैपेसिटी। यहाँ पे देखिए जो लेंथ में है, जैसे कि डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको किसी की लेंथ निकालनी है, जैसे आपको टेक्स्ट की लेंथ निकालनी है, किसी डिस्टेंस को मेज़र करना है, तो आप मेज़रमेंट का यूज़ करेंगे कि जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है या मीटर में है। वेट, वेट मतलब होता है वजन, जैसे कि एक गेहूँ का कट्टा है या गेहूँ की बोरी है, सेक ऑफ वीट या सेक ऑफ राइस, मतलब किसी चीज़ का वजन मेजर करने के लिए आप मेज़रमेंट का यूज़ करते हैं। इसमें जो आप यूनिट यूज़ करते हैं वो किलोग्राम, ग्राम, हेक्टोग्राम, इन यूनिट्स का यूज़ करते हैं। कैपेसिटी, कैपेसिटी जैसे कि वाटर बोतल या जूस बोतल, जैसे कि आपको लिक्विड चीज़ को मेज़र करना है तो आप उसमें लीटर, मिलीलीटर, इनका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लेंथ, वेट, कैपेसिटी को मेज़र करने की अलग अलग यूनिट्स होती हैं। तो यहाँ पे हमें उन यूनिट्स को यूज़ करना है, उसमें हमें एड सब्ट्रैक्शन के भी क्वेश्चन आएंगे हमारे लिए और कन्वर्ट करने के लिए भी आएंगे। यहाँ पे देखिए जो मेन यूनिट होती हैं, किलो, हेक्टो, डेका, बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट में लीटर, ग्राम, मीटर ये आते हैं, डेसी, सेंटी, मिली, यहाँ पे आपको ये यूनिट्स दी हुई हैं। अगर आपकी बेसिक यूनिट लीटर है तो किलो लीटर होगा, हेक्टो लीटर, डेका लीटर, फिर आपका लीटर, डेसी लीटर, सेंटी लीटर, मिली लीटर। अगर आपकी बेसिक यूनिट ग्राम है तो यहाँ पे किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसी ग्राम, सेंटी ग्राम, मिलीग्राम होगा। यानी कि यूनिट अगर आपकी मीटर है तो आपकी यहाँ पे सब में मीटर होगा, बस आपकी जो स्टार्टिंग के किलो, हेक्टो, डेका ये सेम रहेंगे, बस आपकी यहाँ पे ये पीछे ग्राम ग्राम आ जाएगा, जैसे अभी मैंने बताया है। अब देखिए हमें क्वेश्चन किलो ग्राम में दिया हुआ है और हमें डेका ग्राम में जाना है, यानी कन्वर्ट करना है डेका ग्राम में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अगर हम बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे। यानी कि हमें जैसे कि मिली लीटर में क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें डेसी लीटर में जाना है तो हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं। लेकिन अगर हमें डेसी लीटर में क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें मिलीलीटर में जाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने एरो भी लगा दिए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल है समझने में, कि यहाँ से अगर हमें इस तरफ जाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना है और हमें उसका अपोजिट जाना है तो हमें डिवाइड करना है। अब बात आती है कि किससे मल्टीप्लाई करें और किससे डिवाइड करें। तो यहाँ पर देखिए अगर हमारा क्वेश्चन किलो लीटर में है, हमने माना कि किलो लीटर में है हमारा क्वेश्चन और हमें डेका लीटर में आंसर देना है, तो हम कितने स्टेप आगे बढ़े? यहाँ पे तो हमारा क्वेश्चन है ही, तो हम वन एंड टू, टू स्टेप आगे बढ़े, तो हम टू स्टेप आगे बढ़े यानी कि 20, तो 20 यानी कि 100, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 100 में 20 आती है। तो इस तरीके से आपको हेल्प मिलेगी कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है। अगर क्वेश्चन में आपको डेका लीटर दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन आपका डेका लीटर में और आपको आंसर देना है सेंटीलीटर में, तो आप देखिए कितने स्टेप आप आगे जाएंगे, तो वन टू, यहाँ पे भी टू स्टेप गए डेसीलीटर में। लेकिन अगर हम सेंटीलीटर में, हमें डेका लीटर से सेंटीलीटर में जाना है तो 1 2 3, हम 3 स्टेप्स गए, तो यहाँ पे 30 यानी कि 1000, तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर इसी का अपोजिट हो, जैसे कि सेंटीलीटर से हमें डेका लीटर में जाना है तो हम अपोजिट जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये यहाँ पे मैंने जो ये बनाई है टेबल, ये आपको याद है तो आपको पता लग सकता है कि आपको कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है और किससे डिवाइड करना है। यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट है, एक्सरसाइज फर्स्ट में फर्स्ट हेडिंग है एक्सप्रेस एज मीटर, यानी हमें मीटर में एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन हमारा किलोमीटर में और हमें एक्सप्रेस करना है मीटर में, किलोमीटर में हमारा क्वेश्चन है, हमें मीटर में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए कितने स्टेप हम आगे गए, 1 2 3, तो 3 स्टेप आगे गए, सीधे रास्ते जा रहे हैं हम, मतलब हमें बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं,
हमारा क्वेश्चन है 11 किलोमीटर, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। यहाँ पे लिखेंगे हम 11 इक्वल टू का साइन लगाना मल्टीप्लाई 1000 मीटर। अब 11 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11000 मीटर आंसर आएगा। हम 1000, 100, 1 लाख, 10,000 इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं जैसे नंबर से, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए हमें सवाल बनाने की ज़रूरत नहीं है। और फॉर्मूला आपको साइड में लिखना है। इसी हेडिंग का सी क्वेश्चन देखिए, 32 किलोमीटर एंड 164 मीटर है, और को हेडिंग में कहा गया है कि हमें एक्सप्रेस एज मीटर, मीटर में एक्सप्रेस करना है। तो हम हमारे पास जो किलोमीटर है उसको हम मीटर में एक्सप्रेस करेंगे, जो पहले से हमारे पास मीटर में है उसको हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे क्योंकि ये तो पहले से ही मीटर में है। आप देखिए ये 32 किलोमीटर है, तो हम 32 मल्टीप्लाई मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 मीटर इक्वल टू का साइन लगाना आप, और यहाँ पे ये जो 164 है इसको हमें प्लस करना है, तो आप प्लस करके 164 मीटर लिखेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे साइड में, ब्रैकेट में आपको फॉर्मूला भी लिखना है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अब देखिए 32 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32000 आएगा मीटर प्लस 164 मीटर। अब ये भी मीटर में है एंड ये भी मीटर में है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 32164 मीटर। इस तरीके से करना है। यूनिट को आपको बहुत ध्यान से लगाना है कि जिसमें हमें कन्वर्ट करना है वो यूनिट यूज़ करनी है आपको। फर्स्ट हेडिंग में आपके डी तक क्वेश्चन है, तो आपको चारों क्वेश्चन करने हैं ये। सेकंड हेडिंग देखिए, एक्सप्रेस एज किलोग्राम एंड ग्राम। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमें ग्राम में दिया हुआ है और हमें चेंज करना है किलोग्राम में, किलोग्राम एंड ग्राम में। तो हमें स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाना है, स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाना है, तो हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए 1290 ग्राम है, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 1000 से। फॉर्मूला लिखेंगे पहले हम कि 1 ग्राम में 1/1000 kg होते हैं, यानी कि किलोग्राम। यहाँ पे हम 1290 लिखेंगे और यहाँ पे 1000 लिखेंगे अपॉन में, क्योंकि हमें डिवाइड करना है, और यहाँ पे लिखेंगे आप केजी यानी किलोग्राम, क्योंकि हमें इसमें चेंज करना है। अब देखिए यहाँ पे 30 है, तो आप बिना डिवाइड के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 30 है तो पीछे से यहाँ पे 3 डिजिट आप इधर की साइड लिखिए अलग, और जो बाकी की बची डिजिट है उसे आप आगे लिखिए। जितनी ज़ीरो होंगी पीछे से उतने डिजिट लेकर आपको अलग साइड लिखना है, और जो बची हुई जो डिजिट है उसको अलग लिखना है। अब देखिए यहाँ पे आपकी केजी वाली यूनिट आएगी और यहाँ पे आपकी ग्राम वाली यूनिट आएगी। इस तरीके से करना है आपको, क्योंकि हमें अब 2 यूनिट में शो करना था आंसर, किलोग्राम में एंड ग्राम में, तो इस तरीके से हमने शो कर दिया है। सेकेंड हेडिंग के आपको सीधा क्वेश्चन करने हैं। थर्ड हेडिंग देखिए, एक्सप्रेस एज मिलीलीटर। यहाँ पे क्वेश्चन लीटर में दिया हुआ है और आपको आंसर मिलीलीटर में देना है, तो यहाँ पे हमें हायर यूनिट दी हुई है क्वेश्चन में और हमें चेंज करना है लोअर यूनिट में। आप हायर यूनिट भी कह सकते हैं, बिगर यूनिट भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लीटर से हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 स्टेप आगे बढ़ना होता है, तो यहाँ पे भी हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 लीटर, 7 × 1000 मिलीलीटर, 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7000 मिलीलीटर आएगा। साइड में हमने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो इस हेडिंग में आपके डी क्वेश्चन है, तो इस हेडिंग के भी आपको सीधा क्वेश्चन करने हैं। ये एक्सरसाइज आपको मैथ्स के रजिस्टर में करनी है। फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखना है आपको, गलत फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। थैंक यू।